अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मैं हूं मुर्शिद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ज़्यादा की दुनिया। तो गाइस, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आ जाए। तो वैसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो वैसे इस तरह मामा हर बार आपके साथ रेसिपी शेयर करती हैं, तो आज फिर मामा कोई रेसिपी शेयर कर रही हैं, तो चले मामा के पास चलते हैं। अच्छा जी, तो गाइस मैं किचन में आ गई और ये मेरी मामा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बारिश हो रही है, हवस बनी हुई है। तो आप लोगों के कैसा मौसम है। हमारे तो लाहौर में डेली बारिश हो रही है और खुल के नहीं हो रही, हल्की हल्की हो रही, साफ हवस हो रही। मोइज़ की बात उठा के गई है, ठीक नहीं ना रहा, छुरिया मेरे हाथ में ऊपर चलेगी। अच्छा जी, आज मैं किचन में बना रही हूँ आप लोगों के लिए और अपने लिए कोफ्ते, मटन कोफ्ते। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा जी, ऑयल मैंने रख दिया ऊपर फ्राई होने के लिए, मतलब गर्म होने के लिए। और ये है मेरे कोफ्ते, ये देखें, ये है कोफ्ते मेरे माशाल्लाह। मैं ना इसमें डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको मैं करूँगी फ्राई, यानी कि 4-5 मिनट मैं फ्राई करूँगी। ये मटन के हैं, जल्दी गल जाते हैं, तो बाद में मैं इनका मसाला बनाऊंगी। अरे चीजें कर रही हैं। अच्छा जी, कोई इशू नहीं, कभी चीजें बड़ी हैं, मुझे पीछे हो जा। अच्छा जी, नॉर्मल यानी कि तेज आंच नहीं करनी, ना हल्की आंच रखनी, हल्के हल्के ना इनको। मैंने तो ऑयल गर्म किया है और रख दिया, अब मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया। मैंने इनकी साइडें चेंज कर ली हैं, ये मेरे ब्राउन हो गए हैं, कोफ्ते मेरे फ्राई हो गए। अब मैं इसको निकालूंगी और ये मैंने प्याज काटा है, ये देखें मोटा मोटा ही मैंने काट लिया है। इसका मैं बताती हूँ मैंने क्या करना है। ये 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं। अच्छा, ये सुरख मिर्ची, ये नमक, ये हल्दी, ये ज़ीरा, ये सूखा धनिया। अब ये प्लेट में क्या हो गया हुआ है, मेरे हाथ से टोकरी गिरी है, वापस में मसाले मिक्स हो गए हैं, ये देखे बिखर गए हैं प्लेट में। ये देखे माशाल्लाह, ये बिल्कुल गोल है। मैंने थोड़े से बड़े साइज में बनाए हैं क्योंकि ये श्लिंग हो जाते हैं। ये देखे इसी तरह कढ़ाई में ज़्यादा तेल डाल के तो इनको फ्राई कर लिया करें ज़रा अच्छी तरह, अंदर से अच्छी तरह पक जाएं। पहले थोड़ी सी मैंने आंच इसकी ज़्यादा तेज़ कर दी, अब मैंने हल्की कर दी थी। इसको 5 या 6 मिनट इस तरह फ्राई करें तो अंदर तक ये पक जाते हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल होते हैं और इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला हुआ, वो गला देता है गोश्त को। प्लेट दी, बिस्मिल्लाह, अभी नहीं हुआ था। ये देखिए कोफ्ते मेरे बड़े अच्छे फ्राई हो गए हैं, ये देखें कलर कितना अच्छा आ गया है। इसी तरह आप भी फ्राई कर लें माशाल्लाह। तो मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे भी पहले पहले ना, जब बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे भी कोफ्ते बनाने नहीं आते थे, तो मेरा बड़ा दिल करता होता था कि मैं कैसे बनाऊँ, क्या डलता है इसमें। इसी तरह मैंने भी सीख लिया। ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से नहीं कोई खाना सीखा, खुद ही आ जाता, देख के ही आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये देखें जी, ये हैं मेरे सारे कोफ्ते, ये फ्राई हो गए हैं। इनका कलर देखें कितना अच्छा आया, जो मैंने इसमें फूड कलर डाला हुआ है ना, इसके लिए ये कलर आया, नहीं तो ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो मैंने प्याज मोटा मोटा काटा है, ये फ्राई में कर दूँगी ज़रा, फिर मैं डालूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट, ये 2 चम्मच मैं डालूँगी। इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी, फिर मैं डालती हूँ मटर मसाले, ज़रा ये फ्राई कर लूँ, इसकी स्मेल चली जाएगी अच्छी तरह। अच्छा जी, प्याज मेरा ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इस तरह का करना है ज़रा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और मिर्चें, मेरे टमाटर भी मैंने बड़े बड़े काट लिए। अब मैं डालूंगी इसमें सारे मसाले, थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें पानी। अच्छा, इसको मैं जरा ना भून लूँ। मसाला मेरा हो गया, अब मैं इसको
इसको पता क्या करूंगी इसके साथ, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जग में डालूं, बिस्मिल्लाह इसी तरह मैं जग में डाल के ना इसको पीस लूंगी जरा, क्योंकि कोफ्तों में जो मसाला होता है ना बिल्कुल ठहर जाए। ये मैंने जग में डाल लिया, अब मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा ही ना पीसना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गरम शाही। अच्छा जी ये देखें जी मसाला मेरा ये तैयार हो गया, आप भी इस तरह किया करें, ये जग में देखें इस तरह ग्राइंड कर लें तो मुंह में ना टमाटर आएगा ना प्याज आएगा ना कुछ आएगा और कोफ्तों में बड़ा मज़े का लगेगा। तो आगे मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी, ये देखें कि थोड़ा सा मैं डाल दूंगी पानी और मेरी अच्छी तरह बन जाएगी ये ग्रेवी, जो दही लिखे। अच्छा जी दो चार चम्मच मैं डालूंगी इसमें दही, क्योंकि टमाटर मैंने डाले हुए हैं, अब मैं थोड़ा सा इसमें दही भी डाल लूँगी ताकि इसका ना ज़रा टेस्ट और अच्छा हो जाए। दही कम दही मैं इसमें और डाल रही हूँ, मैंने मुझे ये था भी दही है घर में दही कम था तो मैंने मोइज़ को भेजा दही, मोइज़ और ले आया जल्दी जल्दी जाके, तो दही मैं इसमें और डाल रही हूँ क्योंकि इसमें दही ज़्यादा डलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी मैंने पहले भी डाला है अब भी मैंने कितना सारा दही डाला, तकरीबन आधे से ज़्यादा कटोरी दही की डालनी है इसमें, ये देखें जी। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी ये ना देखें माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मसाला हो गया तैयार, मोइज के हाथ पे पड़ रही छींटे तो वो बड़ा तंग हो रहा है, तो मैं कह वही कह रही कुछ हो रहा असल हो रहा वो हाथ तो हमारे जारी रहे। अब मैं इसमें डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोफ्ते इस तरह आराम से मैं रखूंगी। अच्छा एक और बात है, इसमें चाहे आप आलू कोफ्ते बना लें अंडे कोफ्ते बना लें जो आप लोगों को पसंद है वो बना लें, तो हमें तो ज़्यादा पसंद दोनों चीज़ें पसंद है, कभी हम आलू डाल लेते हैं कभी हम कोफ्ते डाल सॉरी अंडे डाल लेते हैं, तो मैं आप लोगों को ये वाली रेसिपी ऐसे ही दिखाऊंगी। ये देखें कितने मज़े के बन गए हैं और दम पे लगा दूंगी, कोफ्ते पक चुके हैं पहले ही, थोड़ी देर पकेंगे फिर मैं दिखाती हूँ। अंडे भी वैसे मैंने फ्राई कर लिए बॉयल कर लिए हैं, ये देखें हम लहरा रख लेंगे अंडे में लहरा रख लूँगी, अगर बच्चों ने डालना होगा तो अपने अपने खाने में डाल लेंगे। चले जी मुझे अच्छा जी ये मेरे कोफ्ते अब पक रहे हैं, देख ले कोई कोफ्ता टूटा नहीं है कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस इतना सा, इसको मैं 10 या 12 मिनट तक ना इस तरह दम पे रहने दूँगी, दम पे रहने दूँगी ताकि ये इनकी स्टीम जो है ना अंदर तक हमारे कोफ्ते अच्छी तरह गल जाए। ये देखें जी कोफ्ते मेरे बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो गए हैं, अब मैं निकालूंगी इनको अपने डिश आउट प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस साइड पे बंद कर इधर डाल कर दिखा, ये देखें जी माशाल्लाह देख ले कोई कोफ्ता मेरा टूटा नहीं कुछ नहीं हुआ, तो आप भी ऐसे बनाएं बड़े मज़े के बनते हैं, ये देखें जी माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी पढ़े लिखे लोग ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी बना के खाएं और मुझे बताएं कैसे लगते हैं, ये देखें जी। अच्छा जी मैं ना इस पे डालूंगी थोड़ा सा धनिया, ये देखिए इतना सा बाकी मैं इस मसाले में डाल दूंगी, थोड़ी सी मैं अदरक डालूंगी क्योंकि ज्यादा ना उस दिन मैंने कढ़ाई में ज्यादा डाल ली थी तो फिर मुंह में आती है मेरे तो आती है, एक ही मैंने मिर्च काट के डाली है, ये देखिए जी क्योंकि सारा मटेरियल मसाले में डाल लेते हैं ये जरा अच्छा लगता है, ये है जी ये देखें जी माशाल्लाह
कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, ऐसे जैसे किसी होटल में बना के रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हो, मैं तो ऐसे बनाती हूँ, कोफ्ता एक भी नहीं टूटा और बड़े मज़े के बने हैं। मैंने इसमें अंडा शंडा नहीं डाला, अगर अब अंडा डाल लेते और अच्छे बन जाते। मैंने अंडा इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैंने कबाब बनाने थे बीच में, तो उन्हीं में से मटेरियल निकाल के मैंने कोफ्ते बना लिए। कोफ्ते बनाने का मटेरियल मैंने उस दिन सीख कबाब की रेसिपी में बताया था, और उन्हीं में से मैंने मटेरियल कुछ निकाल के मटन के कोफ्ते बना के ये रख लिए थे। 8 मैंने बना लिए थे। हम लोग 4 लोग हैं तो माशाल्लाह 2-2 बहुत होते हैं। इतना खाना भूख रख के खाना चाहिए जितनी आपको गुंजाइश है। तो ये हमारा सारा साल बनेंगे, देख लीजिए माशाल्लाह। इसकी ये देखें जो मैंने ये करी सी बनाई है ग्रेवी, इसकी ये देखें कितना अच्छा कलर है इसका, ये देखें जी। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। खुश रहिए, प्यार बांटिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।